राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। पिछले 4-5 दिन कुछ आउट ऑफ स्टेशन प्रवास पर रहने के कारण कल ही रात को पहुंचा हूं। 4-5 दिन का गैप आ गया है इसलिए रिकॉर्डिंग में, बाहर थोड़ा रिकॉर्डिंग करना जरा कठिन रहता है। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास मैं आपके सामने लाता हूं, 1757 से 1947। वो इतिहास जो शूरवीर क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं नायक नायिकाएं हर आयु वर्ग के वो लोग जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए इस 190 वर्ष के कालखंड में सर्वस्व निछावर किया, लेकिन इतिहास में उनको कहीं स्थान नहीं मिला। इतिहास में कहीं उनको स्थान नहीं दिया गया। हाँ, उन लोगों की किस्से कहानियां सुनाए जाते, शौर्य और वीरता के वो स्वर्णिम पृष्ठ पढ़ाए जाते, एक नए उत्साह का, नई उमंग का, हर प्रकार की अच्छी प्रेरणा का भाव जागृत होता। लेकिन हमें बताया कि आजादी महजूर गांधी ने लेके दी है। आजादी को लाने वाले ऐसे लाखों लोग और सैकड़ों हजारों को तो मैं आपके सामने लाने भी जा रहा हूं, सैकड़ों को ला चुका हूं, हजारों को लाने जा रहा हूं आपके सामने इस 190 वर्ष के इतिहास में। और इतने लंबे इतिहास में क्या क्या हुआ, चलिए इस बात की चर्चा बाद में करते हैं। 5-6 वीडियोस के बाद, उन क्रांतिकारी वीर वीरांगनाओं को आपके सामने रखने के बाद, एक दिन गीत के माध्यम से उनको हम स्मरण करते हैं, गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। देशभक्ति के गीत भी अपने आप में बहुत बड़े, कई बार बहुत बड़े संबोधन से भी बड़े होते हैं। उन गीतों के अंदर भाव होते हैं, इतिहास होता है, जो घटित हुआ है वो भी होता है, जो हो रहा है वो भी होता है, और जो हम आशा अपेक्षा करते हैं वो भी होता है। चलिए आज गीत की टर्न है, आज गीत के माध्यम से हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। जय हे जय हे जय हे तेरी सुंदर सुभग सुहागिन माँ, जय हे जय हे जय हे जय हे तेरी सुंदर सुभग सुहागिन माँ, जय हे। शुभ्र मुकट हिम माथे शोभित सागर लहरे नित पग धोवत, गंगा यमुना सिंधु नर्मदा जयमाला बन मन को मोहत, शस श्यामला बन शस श्यामला षट ऋतु वाली, शस श्यामला षट ऋतु वाली, हरा भरा तब कानन माँ, जय हे जय हे जय हे
तेरी सुंदर सुभग सुहागिन माँ जय हे। आदि पुरुष मनु के पुत्रों की वेदों की वरदानी वाणी अष्ट सिद्धि नवनिधियों वाली अन्नपूर्णा जग कल्याणी नीलम नयना उज्ज्वल बसना नीलम नयना उज्ज्वल बसना शरद ज्योत्सना आनन माँ जय हे जय हे जय हे जय हे तेरी सुंदर सुभग सुहागिन माँ जय हे। शीश अनेकों झुके चरण में आशीष मांगे पढ़े चरण में तेरी कीर्ति पताका माता ऊंची फहरे नील गगन में तेरा मंगल मय शुभ मंदिर तेरा मंदिर मय शुभ मंदिर हो जग वंदित भारत माँ जय हे जय हे जय हे जय हे तेरी सुंदर सुभग सुहागिन माँ जय हे। तन मन धन और निज जीवन से निश दिन के क्षण क्षण चिंतन से अक्षय दीप जलाए अगणित विकसित नव जीवन यौवन से ज्योतित कर दे आशा भर दे ज्योतित कर दे आशा भर दे कन कन में अति पावन माँ जय हे जय हे जय हे जय हे तेरी सुंदर सुभग सुहागिन माँ जय हे जय हे जय हे जय हे तेरी सुंदर सुभग सुहागिन माँ जय हे। लगातार प्रवास में होने के कारण आज मुझे गाने में कठिनाई भी हो रही थी, पर मैं इन बातों को नहीं मान के चलता। आज मुझे लगा कि 5-6 वीडियोस के बाद मुझे गीत देना है, तो मैंने दिया है। गीत के भाव देखिए किस प्रकार से वो लोग जब कभी भी किसी भी युग में ऐसे साधक ऐसे तपस्वी ऐसे मस्त मलंग सनकी जनूनी ऐसे मिशनरी ऐसे विजनरी ऐसे सबसे लुटाने वाले क्रांति वीर वीरांगनाएं जिनका मैंने आपके सामने वर्णन लाया है। 603 वीडियोस आज हो जाएंगी आपके पास, 603,
और 99% जिन क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने ला रहा हूं वो अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, बहुत बड़ा धोखा हुआ है समाज के साथ, इतिहास के साथ। और जो अपने बुजुर्गों को नहीं याद रखेगा, पुरखों को नहीं याद रखेगा, वो कुर्बानी और बलिदान के नए इतिहास लिखने वालों को याद नहीं रखेगा, शौर्य और वीरता के नए नए रिकॉर्ड कायम करने वाले अपने वीर पुरुषों को याद नहीं रखेगा, तो वो समाज बहुत देर तक जी नहीं सकता। ऐसा हिंदू समाज के बारे में भी बहुत लोग और कई 100 सालों से यही बोल रहे हैं कि ये समाज कब जागेगा। लेकिन मैं ईमानदारी से अगर कहूँ तो मुझे पिछले 8-10 साल से कुछ कुछ जागता हुआ नजर आ रहा है, कुछ रिएक्ट करने लगा है। हाँ, 22 अभी जो कुछ दिन पहले गई है, 22 जनवरी, 22 जनवरी को ये दृश्य पूरे देश में, पूरे विदेश में, दुनिया के कोने कोने में सब जगह देखने को मिला। स्वतः ही अपने इनिशिएटिव से, कोई किसी को कह नहीं रहा था और किसी के कहने से कोई कर भी नहीं रहा था। भले वो 500 साल का इतिहास था, भले वो 500 साल के जख्म थे, लेकिन इन 70-80 सालों में भी, आज़ादी के बाद भी तो कुछ लोग ही लगे, कुछ लोगों ने ही हिम्मत की। पर मैं कहता हूं कि आज के इस युग में भले ही 70-80-90-100 साल से मान लें कि हम ये भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, संत महात्मा और बलिदान हुए वो लोग, और इन 500 सालों में जितने भी बलिदान हुए होंगे, ऐसे उन सब लोगों की तपस्या का परिणाम था 22 जनवरी। पर पता नहीं क्या बात है, मुझे लगता है उन सब का तो योगदान है ही, उसको नकार नहीं सकता क्या कोई भी भाई। लेकिन लगता था कि शायद अभी भी समाज नहीं जागा, लेकिन 22 जनवरी को पूरे देश के अंदर हर महिला पुरुष ने, बच्चे बूढ़े ने, जवान ने, युवती ने, सबने स्वतः ही अपने इनिशिएटिव से भगवान राम के उस भव्य मंदिर के लिए हर जगह बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ, छोटे छोटे मंदिर में भी LEDs लगा के और जिस तरह से स्वागत किया, मुझे लगता है कि समाज के जिंदा होने की कुछ थोड़ी सी प्रेजेंस समाज की, दिमाग की, सेंसिटिविटी की कुछ दिखाई दी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब इससे समाज को जगाने की जरूरत नहीं है, आज और भी जरूरत है ताकि ये मेंटेन रहे। इसमें कोई शक नहीं कि सारी दुनिया के सबसे ज्यादा हमले भारत के ऊपर हुए, और इसमें भी कोई शक नहीं कि भारत के लोगों ने समय समय पर संघर्ष किया और इसलिए हम कुछ बचे हुए हैं। आज भी देश विदेशी उन षड्यंत्रों का देश के ऊपर समय समय पर हम प्रभाव देखते हैं। तो आज की उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जो कुछ भी राष्ट्रहित में, देश हित में, हिंदू हित में, सनातन हित में होता दिखाई दे रहा है, कुछ आशा की किरण दिखाई देने लगी है, कुछ जागृति का बोध दिखने लगा है, इस स्वर्णिम अवसर पर हम सब लोग जहां जहां भी हैं, भारत तभी बचेगा, हिंदू बचेगा। तो ये ध्यान में रखिए इस बात को, जहां से हिंदू निकला वो भाग देश से कट गया, वहां भारत माँ भी कट गई। अब हम भारत माँ को और नहीं कटने देंगे, ऐसी इच्छा और संकल्प के साथ, और ये जो माहौल बना है, इस माहौल को और बढ़िया ढंग से पूर्ण जागृत होने का सबूत देंगे, इसी आशा और कामना के साथ। मेरा ये जो चैनल जिसमें मैं आपके पास ये सारे जो अज्ञात हैं क्रांति वीर वीरांगनाएं हर आयु वर्ग के आपके सामने लाने का जो प्रयास कर रहा हूँ,
मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।